इसका जनरल मीनिंग है कि
इनिशियल अमाउंट के डिकम्पोजिशन में इनिशियल अमाउंट रिड्यूस टू हाफ 50% ऑफ इट्स अमाउंट, तो पार्ट ओवर टाइम एबिलिटी दैट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, यानी कि हाफ लाइफ टाइम के भी डिफाइंड है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50% ऑफ इनिशियल अमाउंट दैट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि हमने जो भी इनिशियल अमाउंट ली है उसको आधा डिकम्पोज होने में जितना टाइम लगेगा उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। मान लेते हैं आपके पास 10 ग्राम अमाउंट है, 10 ग्राम से 5 ग्राम डिकम्पोज, टाइम 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में यानी कि 5 ग्राम डिकम्पोज होगी 5 ग्राम बचे, तो जितना टाइम लगेगा उसको कहते हैं टी हाफ। 5 ग्राम को लेते हैं, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में जितना टाइम लगेगा उसको कहते हैं टी हाफ। ओके, तो कई बार ये आ जाता है कभी कभी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, कई बार कहते हैं कि इनिशियल अमाउंट ए, अब न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, उसमें स्टेटमेंट आता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए 10 ग्राम। आप देखेंगे न्यूमेरिकल में इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम एंड इट इज रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। 10 ग्राम की इनिशियल अमाउंट भी थी वो रिड्यूस होगी, रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इनिशियल अमाउंट कितनी है, ए कितना होगा 10 ग्राम, और ये 2.5 क्या है, रिड्यूस टू यानी कि जो बची हुई अमाउंट है ये ए माइनस एक्स होगी। यहां पे गलतियां करते हैं, कई बार हम इसको 2.5 को एक्स मान लें, रिड्यूस टू यानी कि स्टार्ट किया हमने 10 ग्राम से और 10 ग्राम से स्टार्ट करके कितना होता हो कम होते 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 कितना रह गया 2.5 रह गया, यानी कि रिड्यूस टू 10 ग्राम रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, दिस इज द लेफ्ट अमाउंट। ओके, ऐसे ही कभी कभी ये आता है इनिशियल अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन इज 10 ग्राम एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय 2.5 ग्राम। देखिए ये थोड़ा सा फर्क है, इनिशियल अमाउंट हमने 10 ग्राम ली थी, इट इज रिड्यूस्ड बाय 2.5 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, ए 10 ग्राम और कितना डिकम्पोज हुआ 2.5 ग्राम रिड्यूस्ड बाय, ये जो अगर ये वर्ड आगे रिड्यूस बाय का मतलब कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ 2.5 ग्राम रिड्यूस हुआ, यहां पर x क्या है 2.5 है, तो a माइनस x क्या हो जाएगा दैट इज 7.5। दूसरे की गलतियां होती हैं हमसे, तो ध्यान रखिएगा अगर स्टेटमेंट में रिड्यूस टू आता है तो इसका मतलब बची अमाउंट है, रिड्यूस बाय आता है तो रिड्यूस अमाउंट। ओके, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो देखिए यहां पे हम फार्मूला देख रहे हैं, ये हमने फार्मूला क्या रखना, ये हमने फार्मूला याद रखना, ये हमने स्टेटमेंट याद रखना, हाफ लाइफ के डेफिनेशन में याद रखनी, एक ये रिड्यूस टू रिड्यूस एक्स रिड्यूस बाई का मीनिंग हमें याद रखना। इसके अलावा एक और रिलेशन है यहां पर आता है ए माइनस एक्स इक्वल टू ए 1/2 रेज टू पावर, या ऐसे भी कह देते हैं इसको एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 रेज टू पावर। ए माइनस है जो बची हुई अमाउंट है, ए क्या है जो इनिशियल अमाउंट है, और यहाँ स्मॉल एन क्या है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ होगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ याद रखना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो यहाँ पर ये रिलेशन है ऐसे तरीके से ए माइनस एक्स को जो है एन लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ये इनिशियल अमाउंट कितनी है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितने बचते हैं 1/2 रेज टू पावर। तो यहाँ पे याद रखिए एन क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ए माइनस एक्स आपको पता ही है, ए आपको पता ही है, ए माइनस एक्स के लिए हमने एन लिख दिया, ए के लिए हमने एन नॉट लिख दिया, और एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी नंबर ऑफ हाफ। तो ये फॉर्मूला में कभी लगती है। तो सो फार एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न टू द फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स मैक्सिमम
इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टेटमेंट. देखिए द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ 50% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ कंपाउंड टू डिकम्पोज. द स्टेटमेंट आप देखिएगा ध्यान से तो आपको क्या चीज गिवन है. उसने कहा कि 50% ऑफ द कंपाउंड डिकम्पोज इन 120 मिनट, यानी कि 50% डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लग रहा है, 120 मिनट लग रहे हैं. इसका मतलब ये क्या है, हाफ लाइफ है. हाफ लाइफ डेफिनेशन आपको याद होगी, हाफ लाइफ कैसे डिफाइन किया था कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50% ऑफ इट्स अमाउंट, 50% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, दैट नोन एज हाफ लाइफ. तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितना जीवन है, हाफ लाइफ आपके पास है 120 मिनट. ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना, हमें कैलकुलेट करना हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगेगा, हमें वो वाला टाइम निकालना है. 50% के लिए टाइम दिया हुआ, 90% में कितना टाइम लगेगा. अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आपको याद होगा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ द काइनेटिक के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग टी ओवर टी माइनस. आपको टी कैलकुलेट करना है इसमें, और टी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए. ठीक है, कितने अमाउंट चाहिए आपको, ये अमाउंट चाहिए. ओके, तो ये हम अमाउंट का संबंधन कर लेंगे. तो हम के निकालेंगे पहले, तो देखिए आपको याद है के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में 0.693 ओवर टी हाफ, याद है ना, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा, हम पहले सब्स्टिट्यूट करें 0.693 डिवाइड बाय 120 ये, और ये आंसर देखिए कितना आता है, ये आंसर आता 5.77 इनटू 10 रेज बाय माइनस 3, 5.77 इनटू 10 रेज बाय माइनस 3 पर मिनट. मिनट क्यों लिया, हमने लिया टाइम मिनट में दिया हुआ है, और यूनिट क्या है, देखिए टाइम इनवर्स है. ओके, ये एक स्टेप था, स्टेप इसके बाद हमें एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें पूछा गया है 90% डिकम्पोज करेगा, तो हम ये मान लेते हैं लेट इनिशियल अमाउंट इज 100 ग्राम मान लेते हैं. जस्ट इनिशियल अमाउंट कितनी मान ली, 100 ग्राम. अब डिकम्पोज अमाउंट कितनी है, 90. डिकम्पोज अमाउंट इज 90 ग्राम. वही कह रहा 90% डिकम्पोजिशन कितना टाइम लगेगा, इसका 90% डिकम्पोज हो चुकी, और ये डिकम्पोज हुई ये क्या है, a माइनस ये सॉरी x है, टाइम सॉरी x है, इनिशियल अमाउंट a, डिकम्पोज अमाउंट इज x. तो a माइनस x कितना हो गया, a माइनस x इज 100 माइनस 90 यानी कि 10 ग्राम में लिखेंगे. ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो k की वैल्यू कितनी है, 5.77 इनटू 10 रेज बाय माइनस 3 पर मिनट और इक्वल टू 2.303, और t ये क्वेश्चन मार्क है, और a क्या है, log a कितना है, 100 है, a माइनस 6 10 है, तो ये इसका मतलब कितना आ गया, 2.303 और t log 10 की वैल्यू आपको शायद पता है पहले, log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 के सामने log 1 की वैल्यू 0, log 10, 1, log 100, 2, जितनी 0 लगती जाएगी उतनी वैल्यू की बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा 2.303 और t और log 10 की वैल्यू कितनी क्या बताया, 1 यानी कि क्या होगा 2.303 और t. तो मींस t कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2.303 और 5.77 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस यही आएगा ना. ओके, तो टाइम निकाल लीजिए कितना आता है, टाइम इसमें 399 मिनट्स दिया है, ये आंसर आना चाहिए 399. चेक कर लेना इसको. ओके, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम. हमने इसमें क्या किया,
हमने पहले दिन कांस्टेंट निकाला जो हमें टी हाफ दिया हुआ था, उसके बाद 90% डिफरेंशियल जितना टाइम में हम लोगों निकाला तो ये 399 ये इसका आंसर होगा। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। उस क्वेश्चन को अगर देखें कंपैरिजन में आप उल्टा देखेंगे व्हेन इट वाज हाफ कंप्लीटेड, ये 50% डिकंपोजिशन में कितना टाइम लगा, 60% डिकंपोजिशन में कितना टाइम लगा, 60 मिनट, और हाफ टाइम कंप्लीशन में कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट हमें करना है। देखिए उसका उल्टा है, इसमें हाफ लाइफ दिया हुआ था, 90% डिकंपोजिशन में कितना टाइम लगा वो निकालना है, यहां पे क्या दिया हुआ है 60% डिकंपोजिशन में 60 मिनट लगते हैं, हाफ लाइफ में कितना लगे, यहां पे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो उसके जस्ट कंट्रास्ट का हो गया क्वेश्चन, ये उसका उल्टा ही हो गया। प्रैक्टिस के लिए इसलिए बताए कहाँ है, इसलिए ये प्रॉब्लम दी है कि आपको एक बार हाफ लाइफ दी है तो आप निकालेंगे अदर टाइम, और आपको कोई दूसरा टाइम दिया हुआ था हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा हम इक्वेशन को वही यूज करेंगे, के इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए ओवर ए माइनस, सो के इक्वल टू 2.303, टाइम कितना दिया हुआ है 60 मिनट, ठीक है। एक लॉग ए मान लेते हैं 100 है, यहां पर भी लिख ले चाहे तो लेट ए इज 100, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, क्योंकि एक्स कितना है 60, आपको क्लियर हुआ है नहीं, 60% डिकम्पोज हो गया क्योंकि x 60 है, इनिशियल अगर a को हमने 100 माना तो x हमें 60% लेना पड़ेगा 60, तो a माइनस x हो जाएगा कितना 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 ओवर 40, ओके। तो k इक्वल टू 2.303 और 60 log कितना आ जाएगा 5, कैलकुलेटर यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखते हैं 5 by 2, तो 2.303 और 16, अब ये लिखेंगे log 5 माइनस log 5 करें देखने पर यह है log टेबल से log 3 और 16 log 5, आई थिंक इस तरह है 3, 4, 5, देखना ही पड़ेगा मुझे 0.699 जी को शायद हो, और इसका आंसर आएगा 45.45।